झांसी में नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 के सामने बनी प्राइवेट नर्सिंग होम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां मौजूद नर्स ने महिला तिमारदार के साथ मारपीट कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इस तरीके से नर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है और वह लगातार हमला कर रही है। साथ ही कर्मचारी बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुस्सैल नर्स हाथ चलाने के लिए साथ ही टेबल पर रखा सामान भी फेंक कर मारती दिखाई दे रही। फिलहाल अस्पताल में हो रही मारपीट और हंगामे की वायरल हो रहे वीडियो झांसी में चर्चा का विषय बने। दरअसल एक निजी नर्सिंग होम में महिला मरीज का इलाज चल रहा था, तभी मरीज की बहन नर्स के पास पहुंची और कहा, मेरी बहन की ड्रेसिंग कर दो। नर्स इस पर वो नाराज होकर बोली, क्या 6,000 में खरीद लिया? इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते तिमारदार महिला के साथ स्टाफ नर्स ने मारपीट कर दी और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। वहां मौजूद नर्सिंग होम के अन्य स्टाफ ने बीच बचाव कराकर हंगामे को शांत कराया। वहीं पीड़ित महिला आशा झा ने विश्वविद्यालय पुलिस चौकी पहुंचकर स्टाफ नर्स के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? आशा झा। क्या हुआ आज आपके साथ? न्यू सहारा हॉस्पिटल में मेरी बहन एडमिट थी 4 दिन से, वो तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसका ऑपरेशन हुआ। आज छुट्टी होने वाली थी तो नर्स थी उनके हॉस्पिटल में, और कोई नहीं था, सिर्फ नर्स थी। नर्स आई तो उससे बोला कि इनकी छुट्टी हुई है, इनकी ड्रेसिंग कर दो। तो मैंने, वो बोली कि अभी छुट्टी की फाइल, उसका कोई था मतलब पहचान वाला था, कौन था मुझे नहीं पता। उससे बोला, मैंने कहा कि इनकी ड्रेसिंग कर दो, इनकी छुट्टी हो गई। तो वो बोला फाइल बनवा के लाओ। तो मेरे GI बोले, फाइल किस चीज़ की? वो तो छुट्टी डिस्चार्ज करके गई हैं मैडम। तो मैंने बोला आप ड्रेसिंग कर दो। तो वो उठ के आई तो मैंने कहा इनको पकड़ो, मैं अकेली उठा नहीं पाऊँगी मरीज को। तो बोले ये मेरा काम नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, आप अपनी मैडम से बात कराओ हमारी। तो मैं बाहर गई नंबर लेने के लिए, मैंने मैडम को फ़ोन लगाया तो मैडम बोलने लगी नर्स से बात कराओ हमारी। तो मैंने नर्स को कॉल फ़ोन दिया, उसकी क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई? तो बोली 6,000 में क्या खरीद लिया है मुझे, और उसने मेरा मोबाइल पटक दिया। तो मैंने उससे बोला मेरा मोबाइल क्यों पटका? तो उसने मेरे संग हाथापाई की। तो मेरी मम्मी और भी लोग थे वहाँ पे बीच बचका में, तो वो मेरी मम्मी के ऊपर भी उसने हाथापाई की। हाँ, उसकी वीडियो भी है मेरे पास। उसमें मारपीट साफ दिख रही है, उसने सामान भी फेंका मरीजों के सामने, मतलब एक और मरीज था बगल में। शिकायत मैंने चौकी में की है। मैं ये चाहती हूँ उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।